हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी 12C फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर कॉल करने पर आवाज़ जो है वो अटक अटक के आ रहा है, या आपके फ़ोन में जो नेटवर्क का डंडिया होता है वो एकदम कम हो गया है, नेटवर्क जो है बहुत ही कम हो रहा है आपके फ़ोन में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इस नेटवर्क प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर से सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो सिम का ऑप्शन है, तो जिस भी सिम में जो है आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आप लोगों को, उस सिम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस एक्सेस पॉइंट नेम्स का, तो इस एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का APN सेटिंग है वो APN सेटिंग रीसेट हो जाएगा, और APN सेटिंग रीसेट होने के बाद आपके फ़ोन में जो नेटवर्क प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में एक ऑप्शन है गाइस यूज़ वोल्टी का, तो अगर आपके फ़ोन में जो है ये यूज़ वोल्टी का ऑप्शन ऑफ होगा तब भी जो है आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस ये यूज़ वोल्टी का ऑप्शन ऑफ होने से आपके फ़ोन में जो कॉल का जो वॉइस क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं होता है गाइस, वो जो है एकदम लो क्वालिटी का वॉइस क्वालिटी आता है और अटक अटक के आता है वॉइस क्वालिटी, तो इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखिए। इसको ऑन करने से कॉल करने पर जो वॉइस क्वालिटी होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, तो इसलिए इसको ऑन करके रखिए। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Redmi 12C फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।